साउथ इंडियन स्वीट डिश स्वीट पोंगल, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और वो खाने में उतनी ही टेस्टी होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। स्वीट पोंगल बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में हाफ कप मूंग की दाल ले लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। इस दाल को हम पानी से धो लेंगे। वॉश्ड दाल को हम प्रेशर कुकर में ले लेंगे। हाफ कप चावल को पानी से अच्छे से धो लिया है, उसे भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। 1 कप दूध ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे प्रेशर कुकर के 4 विजल्स हम ले लेंगे। एक पैन में हमने 1.5 कप जैगरी ले लिया है, इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसे हम डिजोल्व करेंगे। चलिए, जैगरी को बॉईल आ चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा सा स्मैश कर देंगे और इसमें ये जैगरी वाटर फिल्टर कर देंगे। अब एक कढ़ाई में हम 2 टीस्पून घी ले लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से काजू भून लेंगे, थोड़े से रेजिन्स ऐड करेंगे और इसे भी भूनेंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची की पाउडर ऐड करेंगे और रोस्टेड नट्स ऐड करेंगे। 1/4 कप ड्राई ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पोंगल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करें। टेस्टी स्वीट पोंगल एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए।